हेलो गाइस, तो मैं हूँ रोहित और आज हम बीएससी सेकंड ईयर की बुक रियल एनालिसिस और इसका चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस, ठीक है, और ये थ्योरम है 2.14, ठीक है, और थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम और सीक्वेंस प्रिंसिपल थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और जो इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना 2.15, ठीक है, और ये भी एक किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को, एक थ्योरम को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या देखते हैं ये 2.15 वाला ये क्वेश्चन है या नेक्स्ट वीडियो में आएगा या इसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम इस सैंडविच थ्योरम का अब प्रूफ, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड बी एन अप्रोचेस टू एल सी एन अप्रोचेस टू एल एंड ए एन अप्रोचेस टू एल, ठीक है। सबसे पहले ये अप्रोच करने वाले दिए हुए हैं ना, बी एन अप्रोचेस टू एल सी एन अप्रोचेस टू एल एंड ए एन अप्रोचेस टू एल, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो करते हैं अब हम इसका प्रूविंग पार्ट को, ठीक है। तो ये रही आपकी थ्योरम, ठीक है, और ये रही इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब समझते हैं हम बी एन अप्रोचेस टू एल और सी एन अप्रोचेस टू एल के कैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक है, कैसे ये कन्वर्ट होगा। और पेपर में ना आपको ये दोनों नहीं दे रखे होंगे, पेपर में चाहे सैंडविच थ्योरम पूछी जाएगी तो आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये खुद लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर ये दिए रखा होगा तो आपने सीधा प्रूविंग करना है इसका, ठीक है। तो समझते हैं इसको, ठीक है, इसको कैसे बनाना है हमने। देखो सबसे पहले आपके पास दिया है बी एन अप्रोचेस टू एल, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले जो गिवन है ना हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो बी एन, ठीक है, लेस देन ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन, ठीक है, और एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और क्या है ये है गिवन बी एन अप्रोचेस टू एल सी एन अप्रोचेस टू एल देन ए एन अप्रोचेस टू एल, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लगा दो इधर, ठीक है, गिवन करके एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एम वन एम टू बिलोंग्स टू एन सच डैट, ठीक है। तो इन पे लगाते हैं, इनको डेफिनेशन के मुताबिक अब बनाते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और ठीक है एन ग्रेटर देन एम वन, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं सी एन वाले पे, सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन एम टू, ठीक है। अब देखो इसको ना एम वन और एम टू की जगह पे एम पुट कर दो, ठीक है, मैक्सिमम करवा देना है, ठीक है। लेट एम वन एम टू की जगह पे हमने एम पुट कर दिया, ठीक है। तो आगे करते हैं अब हम इसको, अब आगे करते हैं अब हम इन वैल्यू को पुट जहाँ पे, ठीक है, बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन एम वन, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स लेस देन ए लेस देन माइनस ए, ठीक है, इसके जैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पे क्या एम वन की जगह पे सॉरी एम आएगा, ठीक है, तो अब देखो दूसरे में भी पुट कर दो आप, सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ गया, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इस पर भी लगाना है और ये वाला फार्मूला इस पर भी लगाना है, सबसे पहले इस पर लगाते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। देखो हमें सेंटर में एक्स चाहिए होता है, तो सेंटर में हमें सिर्फ बी चाहिए, ठीक है, इसको लिख लो पहले बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और लेस देन इधर माइनस का, ठीक है, और देखो एल क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक, और यहाँ पे भी ऐड कर दो एल, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड कर दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस पे करते हैं वर्क, इसको तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसके जैसे, सिर्फ आपने सी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारी,
जे थी इक्वेशन नंबर वन हमारी, ठीक है, तो उसको मानना प्रूविंग में, ठीक है। तो आगे करते हैं भाई इसको, अब हमने करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो उसको साथ में जे भी लिख लो ना ऊपर, चलो ठीक है रहने दो इतना ही, टू एंड थ्री, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को लिख दो, क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो ये थी बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन, ठीक। अब क्या करना है, वही फार्मूला एक्स लेस देन ए और लेस देन माइनस ए, ठीक है, और एल ऐड कर देना आपने, ठीक है, यहीं पे भी, तो समझ लेना एल प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे भी आएगा और लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देना, अब देखो आपके पास बी एन की वैल्यू क्या मिल रही है, जे वाली, और सी एन की वैल्यू क्या मिल रही है, जे वाली, तो पुट कर दो, ठीक है, ये लिख दो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन की वैल्यू क्या है, ये पूरी दोनों लिख देनी है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ए एन की तो है ही नहीं है, लेस देन इक्वल टू सी एन की वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है, तो उसको लिख दो एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और ये वाली पूरी आगे की वैल्यू लिख दो लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो इससे ये पूरा पार्ट कट गया, ठीक है, तो हमारे पास बच गया एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू ए एन और लेस देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो बुक में भी हमने यही सोल्व करना था, तो उसको आप लिख सकते हो ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो इसको फर्दर हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ऑल एन ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमने, जिसको मैं फर्दर फिर से लिख सकता हूँ ए एन अप्रोचेस टू एल, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आगे का जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ठीक है।